रेसिपी बनाने के लिए 1 कप सूजी, आधा कप दही अच्छे से मिला लीजिए। बनाने के समय आधा छोटा चम्मच से इनो डाल दीजिए। उसके बाद प्लेट में घी लगा करके सारा घोल डाल दीजिए और गर्म पानी में स्टैंड पर रखकर 10 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए। जब ठंडा हो जाए तब अपने मनपसंद पीसेज में इसे कट कर लीजिए। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन करके तैयार भी होता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक बार बनाइए, ट्राई करिए ज़रूर। इसको इस तरह से पीस में काट लेना है, आप छोटा बड़ा चाहे जैसे भी हो आप काट लीजिए इसको। अब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें सरसों तेल डालेंगे, चारों तरफ से इसे मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा राई है, लाल मिर्च है, इसको डाल देंगे। थोड़ा हींग डालेंगे, हींग से स्वाद अच्छा आता है, और कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अच्छे से भूनना है, ये तो भून करके तैयार हो गया है, अच्छा भुना गया है, बन करके तैयार है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये मसाला छाछ है, ये जामुन है, ये ग्रीन चटनी है। आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं। हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट बन करके तैयार है। बनाइए, खाइए, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।